मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 9 चैप्टर 2 साइंस पार्ट 1 सेशन 1 सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा था साइंस में सेकंड चैप्टर आज अपन शुरू कर रहे हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। जनरली शुद्ध पदार्थ अपन किसको कहते हैं हमारे हिसाब से देखें तो जिसमें कोई अशुद्धि मिली हुई नहीं हो लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो शुद्ध पदार्थ होता है वो होता है पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो अगर एक समान है तो ऐसे पदार्थ को वैज्ञानिक रूप से अपन क्या कहेंगे शुद्ध पदार्थ कहेंगे। सभी पदार्थ में दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बनते हैं। सभी पदार्थ जो होते हैं उसमें दो या दो से अधिक अवयव मिलकर भी बन सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपके समुद्री जल खनिज मिट्टी। इससे पहले अपन ने बिफोर क्लास में पढ़ा था कि परमाणु क्या होते हैं अणु क्या होते हैं तत्व क्या होते हैं यौगिक क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं। उसको थोड़ा सा अपन रिवाइज करें तो परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको अविभाज्य कण कह सकते हैं एटम जिसको अ कैन नॉट कट जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई उसके बाद परमाणु में तीन अपरमाणु कणों को और विभाजित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन। परमाणु के बाद में देखें अपन अणु तो समान परमाणुओं से मिलकर बनना वाला जो पदार्थ है वो आपका क्या कहलाएगा अणु। तत्व जो कहलाएगा एक ही प्रकार से अणुओं से मिलकर बना पदार्थ आपका तत्व। यौगिक थोड़ा सा फोकस करेंगे यौगिक में दो या दो से अधिक अणु या तत्व आपस में निश्चित अनुपात में अगर संयोग करते हैं तो आपका क्या कहलाता है यौगिक। इसका एग्जाम्पल देखें जनरली अपन H2O C6H12O6 निश्चित अनुपात है। अगर अपने को जल बनाना है तो एच हाइड्रोजन जो है वो 2 अनुपात और ऑक्सीजन जो है वो आपको 1 अनुपात में ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे निश्चित अनुपात को अपन थोड़ा सा देखेंगे। यदि हमको ग्लूकोज बनाना है तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा 1:2:1 और लास्ट है आपके मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक आपस में बिना किसी अनुपात के मिलेंगे तो आपके क्या कहलाएंगे मिश्रण। हम जनरली मिक्स नमकीन लाते हैं उसमें कोई अनुपात नहीं होता है कितने मटर के दाने कितने मूंगफली के दाने कितने नमकीन कितने चरके दाने इस प्रकार से। तो ये भी अपने को थोड़ा सा देखना है कि परमाणु अणु यौगिक तत्व और मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण का एग्जाम्पल देखें तो हम शरबत कोई निश्चित क्वांटिटी नहीं होती है उसमें जनरली। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण अपन ने 6th-7th में पढ़ाए। समांगी मिश्रण जो होता है उसमें समान अवयव हो। जनरली अगर अपन देखें तो एक ग्लास भर के पानी लें उसमें अपन 1 चम्मच भर के नमक मिला लें और उसको अच्छे से हिला लें तो हम आंखों से मेजर नहीं कर सकेंगे कि नमक कहाँ है और पानी कहाँ है या जल कहाँ है। तो ऐसा मिश्रण जिसको अपन नग्न आंखों से जिसमें उपस्थित अवयवों को अपन नहीं देख सकते ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव हमेशा समान रहते हैं वो आपका क्या कहलाता है समांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल है आपका जल प्लस नमक या जल प्लस चीनी। विषमांगी मिश्रण में अगर अपन देखें तो ग्लास में पानी लें उसमें अपन हल्का सा लकड़ी का बुरादा मिला दें या तेल की 1-2 बूंद मिला दें और उसको कितना भी अगर अपन हिलाएं तो भी अपने को तेल और लकड़ी के बुरादे की सतह जो है वो अलग दिखाई देगी जिसको अपन नग्न आंखों से अलग कर सकते हैं ऐसा मिश्रण जो है वो आपका विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है जल प्लस तेल या जल प्लस लकड़ी का बुरादा। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशंस करेंगे विलयन। विलयन कितने प्रकार के होते हैं विलयन की सांद्रता क्या होती है। आज का आपका क्वेश्चन से पुरानी बुक्स में से आपको परमाणु अणु तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखनी है साथ ही मिश्रण के प्रकार को एग्जाम्पल सहित समझाना है। थैंक यू।